हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके स्मॉल पपीज़ है डॉग्स के, कोई से भी डॉग्स हो, आपके लैब्राडोर हो, जर्मन शेपर्ड हो, सेंट बर्नार्ड हो, गोल्डन रिट्रीवर हो, कोई से भी डॉग्स हो, आप उनको फूड कैसे खिलाएं, कौन सा फूड दें उसे जब आपके पपीज़ 20 डेज़ के अराउंड हो जाएँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमेंट्स देखे मैंने जो लोग बोलते हैं कि हमारे पपीज़ 20 डेज़ के हो गए हैं, तो और बोलते हैं कि मदर का मिल्क उतना नहीं हो रहा तो उन्हें क्या एक्स्ट्रा फूड दें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये निप्पल्स वगैरह रखा हुआ है डॉग्स के लिए, सेरेलेक डाल रखा है। तो ये जो सेरेलेक है, बेबी सेरेलेक, ये मैं अपने डॉग्स को खिलाता हूँ। तो ये वीडियो एक्चुअली अराउंड 24-25 डेज़ की थी जो मैंने शूट करा था। एक्चुअली मैं अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए अभी से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जब मेरे पपीज़ इतने छोटे थे तो मैं उनको ये सब खिलाता था, अराउंड 23-24 डेज़ के अराउंड थे। तो एक्चुअली मैं क्या करता था कि एक कटोरी लेता था, उसमें सेरेलेक के 2 स्कूप डालें और फिर उसके बाद उसमें गुनगुना पानी डाल दिया या नॉर्मल पानी डाल दिया, ठंडा पानी मत डालना क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाएगी। तो फिर उसके बाद उसे घोल दिया, थोड़ा मतलब लिक्विड ऐसा पतला पतला से बना दिया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर पपीज में बेबी निगलने में प्रॉब्लम हो, तो पतला पतला पानी की तरह रहेगा, तो ऐसे मिल्क की तरह, तो काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा उनको पीने के लिए। तो उस तरीके से उसमें मिल्क मिला, मतलब सॉरी पानी मिलाकर उसे अच्छे से घोल लिया और फिर पपीज़ को पिला लिया। तो ये जब आप देख रहे हैं अभी, ये जैसे निप्पल्स के साथ पिलाया है, तो इस तरीके से पपी इसको मैं निप्पल से पिलाता था, क्योंकि मैं इनको कटोरी में जब पिलाता था तो उस कटोरी में ये चढ़ जाते थे, पैर से पूरा गंदा करते थे, मुंह पूरा फेस गंदा हो जाता था इनका, फिर उनको अगर मुंह धोता था तो ठंडा लग जाता था, तो इस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं इस तरीके से उनको निप्पल में पिलाता था, तो उसको काफ़ी पतला लिक्विड बनाता था मैं और इस तरीके से उनको पिलाता था और वो काफ़ी अच्छे से पीते थे। शुरू शुरू में दिक्कत करी इन्होंने, क्योंकि इनको निप्पल से पीने की उतनी हैबिट नहीं थी। वैसे मदर्स के निप्पल से तो पीते थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन निप्पल का साइज़ थोड़ा बड़ा था ये, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए, क्योंकि जैसे जैसे पपीज़ बड़े हुए तो काफ़ी कंफर्टेबली ये पीने लग गए और सारे के सारे पपीज़ इस तरीके से बहुत अच्छे से दूध पीने लगे, मतलब सॉरी सेरेलेक पीने लगे थे। तो इस तरीके से ज़्यादा मदर को भी परेशान नहीं करते थे, आराम से यू नो मिल्क ये सेरेलेक वगैरह पी लेते थे। तो आप चाहें तो इन्हें दलिया भी खिला सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद, क्योंकि दलिया एक अनाज की तरह हो गया ना, वो बेसिकली सेरेलेक भी अनाज की तरह ही हो गया, लेकिन वो काफ़ी फाइन होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है, तो आराम से घुल मिल जाता है। दलिया जो होता है थोड़ा मोटा होता है, जैसे दलिया मिलता है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, उस दलिया को पहले भून लीजिए अच्छे से कढ़ाई में, फिर उसके बाद उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर उसका पाउडर बना के, फिर आप चाहे तो उसे हल्का सा उसमें दूध मिलाकर घोल के पिलाइए या उसमें पानी मिलाकर घोल के पिलाइए। तो इस तरीके से आप पिला सकते हैं। सेरेलेक में भी आप सेम कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि पपीज़ अच्छे से पिए। तो ये बेसिकली उनके लिए है, क्योंकि पपीज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं और मदर का उतना मिल्क हो नहीं पाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर चाहते कि आपकी फ़ीमेल का मिल्क बढ़े, तो जैसे मुझे ब्रीडर ने बताया, मुझे बताया बाद में, मुझे पहले पता होता तो मैं अपने लीज़ा को वो खिला देता, तो वो होता है जो लैक्टोज की गोलियाँ होती हैं। तो लैक्टोज की गोलियाँ एक बार आप डॉक्टर से कन्फर्म करिए या किसी मेडिकल स्टोर पर जाके उनसे बात करिए कि लैक्टोज की गोलियाँ कैसे देते हैं, कितना देते हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उनको पता ही होता है, नॉलेज होती है उनको। तो एक बार डॉक्टर ने आपको बता देंगे तो आप बहुत आसानी से उसको अपने डॉग को खिला सकते हैं। अराउंड मेरे ख्याल से 50वें दिन से खिला सकते हैं, क्योंकि मिल्क तो 42 डेज अराउंड से बनना बहुत शुरू हो जाता है, तो 50वें दिन में आप मिल्क दीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, लैक्टोज की अगर आप गोलियाँ देंगे उससे बहुत ज़्यादा मिल्क हो जाता है, और मिल्क बहुत इतना होता है मिल्क कि निप्पल से खुद ब खुद मिल्क निकलता है, ये मुझे खुद ब्रीडर ने बताया जो मेरे बहुत क्लोज हैं अभी। तो इस तरीके से आप गोलियाँ दे सकते हैं अपने डॉग्स को, तो आपकी फ़ीमेल का मिल्क कम नहीं होगा, तो काफ़ी मतलब महीना भर या 40 दिन तक तो आप आराम से अपनी पपीज़ को मिल्क पे फीड कर सकते हैं, अगर आपकी फ़ीमेल का मिल्क हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से सेरेलेक वगैरह दीजिए, ताकि ज़्यादा फ़ीमेल को भी परेशान ना करें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो आप अपने पपीज़ को इस तरीके से पिला सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप अपने पपीज़ को क्या खिलाएंगे, कैसे खिला सकते हैं, और उसका अल्टरनेटिव भी बता दिया मैंने कि अगर आपको लैक्टोज के बारे में डॉक्टर बता देते हैं, मतलब एक वो दे देते हैं ना कि श्योरिटी, हाँ आप खिला सकते हैं, तो आप खिला सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी मर्ज़ी से कुछ मत खिलाना दवाई, कोई भी दवाई प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी उसमें, एक बार आप डॉक्टर से पूछ लोगे तो वो आपको काफ़ी कंफर्टेबली बता देंगे। तो ये जो वीडियो अभी देख रहे हो आप, ये अभी रिसेंट की वीडियो है जो मुझे घर से भेजी थी। तो ये पपीज़ अभी बहुत बड़े हो गए, 1 मंथ के हो गए हैं, तो काफ़ी तेज़ भागते हैं अभी, ये कूदते हैं, तो काफ़ी क्यूट लगते हैं अभी। और इनको तो अभी इसी सेरेलेक वेरेलेक ही खिला रहे हैं पापा इनको। लीज़ा का उतना मिल्क हो भी नहीं रहा है, लीज़ा काफ़ी कमज़ोर सी हो गई है, क्योंकि सारा दूध तो यही भी जाते हैं 6 के 6 पपीज़,
सिक्स पपीज़ हैं जिसमें से 4 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। तो ये भी कुछ कंडीशंस हमारे पपीज़ की। ये देखिए किस कितने प्यार से खेल रहे, कितने क्यूट लग रहे। मैं इनके साथ एक्चुअली हूँ नहीं, मैं बहुत मिस कर पाऊँ इनको एक्चुअली, अभी घर पे हूँ नहीं। तो आप देख सकते हैं पपीज़ को। तो बस इस वीडियो में गाइस इतना ही था, आपको ये बताना था कि आप सरेला खिला सकते हैं, इस तरीके से खिला सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, मेडिसिन का भी बता दिया है। सो या दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट्स वट एवर यू फील लाइक। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।